फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और सुबह सुबह ना मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, क्योंकि कल गए थे मिथु के बर्थडे में तो कपड़े तो नहीं धो पाई थी और वहाँ के भी जो कपड़े थे काफ़ी हो गए थे, तो पहले मशीन लगा दी। और यहाँ पे ना मान्या जा रही है अभी नीचे किसी काम से, और मैंने यहाँ पे बनाया है पास्ता। तो बस अभी ना बच्चे खेल रहे हैं मास्टर शेफ़, तो बस उनको मैं अभी सर्व कर दूंगी ये। तो ये लो, मास्टर शेफ्स के लिए लेके आए हैं जज एक बहुत ही अच्छी डिश जिसका नाम है व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक है, आप पुलाव बना रहे हो? ठीक है, मानू को पाई और पता नहीं कुछ बन रहा है, एप्पल पाई बन रहा है और काना पुलाव। ठीक है, ओके, मैं मानू आपके लिए ला रही हूँ। पहले ये खा लो बेटा, फिर ना पता क्या होता है ये ना, फिर गरम गरम ही सही होता है, फिर जम जाता है ना, फिर सही नहीं होती ये चीजें ना। ठीक है, काना का फेवरेट है ना, इसलिए आज बना दिया, लेकिन रोज रोज इसे नहीं खाते है ना, मंथ में सिर्फ एक बार है ना, वो दो बार खा लेते हैं, सुपर पतले है वो तीन बार। कैसा हो रहा है? यम्मी, तो हेलो दोस्तों, मॉर्निंग में ना मैंने आप बस थोड़ा सा वीडियो बनाया और उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बना पाई, मतलब टाइम ही नहीं मिला। और जो कान्हा है ना, कान्हा चला गया है घर, मैं उसको छोड़ने गई थी और उसके बाद फिर मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा बहुत काम था। और उसके बाद ना मैं मम्मी के घर आज आई हुई हूँ, आपको थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा सब कुछ है ना, तो मैं आज हूँ अपनी मम्मी के घर। और अभी बस खाना वाना सब बन चुका है, मतलब रोटी नहीं बनी है, खाना खा के हम लोग भी मतलब निकल जाएंगे। भी सिस्टर जो है ना नहीं आई है ऑफिस से, तो बस मम्मी और मैं और मान्या ही हैं। तो जब कान्हा को छोड़ने गई थी ना, तो वो कान्हा पहले यहीं आया था मम्मी के घर, तो मम्मी के घर से ही फिर वो अपने घर चला गया। तो जब उसके बाद मान्या यहीं पे थी, तो फिर इसलिए शाम को भी मैं भी यहीं पे आ गई मार्केट से आने के बाद। बस और कान्हा चला गया तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है ना, दो तीन दिन से साथ में ही था। पिट्ठू की भी जो है वीडियो अभी बस मैंने अपलोडिंग पे अपनी एक वीडियो लगाई हुई है, थोड़ी ही देर में पब्लिश हो जाएगी। और देखिए मैं आपको मिलाती हूँ अपने बग से। हेलो बगी, क्या कर रहा है बगी? बगी को भूख लगी है? हाँ, हेलो हेलो बगी। ये है हमारी मम्मी की बालकनी, बहुत छोटी सी है लेकिन यहाँ से ना व्यू बहुत अच्छा आता है। फिफ्थ फ्लोर है ये, और आगे की साइड तो ना एक्चुअली आपको अभी ना अंधेरा ही दिखेगा, देखिए। और नीचे की साइड अगर कुछ दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊं हल्का फुल्का, तो ये देखिए। और ये है मम्मी के कुछ प्लांट्स, इनमें फूल भी आ गया। देखो रात में ना वैसे प्लांट्स को ना छूना नहीं चाहिए, ये देखिए कितना अच्छा लग रहे हैं फूल भी। तो बस, और देखिए यहाँ पे बनी हुई है राई की सब्जी। राई तो हमारे यहाँ तो इसे राई कहते हैं, पता नहीं और जगह पे क्या कहते होंगे, और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये बनी है मटर और मशरूम की सब्जी। तो जब मैं मार्केट गई थी ना तो राई लेके आई, और मम्मी को बहुत पसंद है राई, तो मैंने सोचा यहीं बनाते हैं और मिलकर खाएंगे। और यहाँ पे मम्मी गूंध रही है मडवे का आटा, जिसे कोदू का आटा भी कई जगह पे कहा जाता है, और रागी फ्लोर भी कहा जाता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है हमारे लिए, और सर्दियों में तो ना हम लोग इसे काफ़ी खाते हैं, और फिर गर्मियों में हम नहीं फिर इसे खाते हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ इसे सर्दी में ही खाया जाता है।
तो मम्मी बना रही है इसकी रोटी। और ये ना दो तरीके से बनती है, एक तो सिर्फ इसी आटे से बनती है और एक जो होता है ना अभी गेहूं के आटे में हम इसे भर के बनाएंगे। तो अभी जब मम्मी बनाएंगी ना तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि मम्मी कैसे बनाती है। और मम्मी के हाथ की ना ये गरम गरम रोटी इतनी टेस्टी लगती है ना, तो मम्मी ने बोला कि आज हरी सब्जी है तो उसके साथ आज यही वाली रोटी बनाएंगे। और फिर वैसे ही सर्दियां जाने वाली हैं तो फिर उसके बाद नहीं खाया जाता है ये वाला आटा ज़्यादा। तो देखिए मम्मी ने यहाँ पे ना हमने गेहूं का आटा गूंदा है, उसमें ऐसे जैसे हम पराठे भरते हैं ना उसी तरीके से फिर ये जो है इस आटे की मडवे के आटे की जो है ना लोई इसमें भर देते हैं। और बस बहुत सिंपल होता है इस तरीके से बनाना, लेकिन जब हम सिर्फ इसी आटे का बनाते हैं ना मडवे का आटे का, वो तो बहुत टफ होता है, वो तो मैं भी नहीं बना पाती। तो मैं ये वाली तो बना लेती हूँ रोटी आराम से भर के जो बनती है। तो देखिए मम्मी ने बना दी है, तो इसके बाद बस फिर ना गरम गरम खा लेंगे खाना। और मम्मी के हाथ का खाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, और इतने अच्छे से देखिए फूल भी जाएगी ये रोटी बढ़िया से, है ना। और सर्दियों में तो गरम गरम खाना क्या बात। तो बस उसके बाद खा के ना जल्दी से घर भी जाना है, क्योंकि फिर सुबह है मान्या के क्लासेस और मान्या को सुबह जल्दी उठना होता है। और ये देखिए मैं पहुंच गई हूँ घर, और जो मैं लेके आई थी ना सामान मतलब सब्जी वगैरह मंडी से, वो सब मैंने अभी ऐसे ही रखी हुई है, इसे सुबह लगाऊंगी। और मेरे को डालना है मूली का अचार, तो मैंने मूली ना काट के रख दी है नमक लगा के, तो रात भर ये अच्छे से पानी छोड़ देगी ना, तो कल फिर सुबह मॉर्निंग में ना मैं इसे धूप में रखूँगी। और जब इसका मॉइस्चर अच्छे से चला जाएगा उसके बाद मैं इसका बनाऊँगी अचार फ्रेंड्स। तो चलिए।